अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये दोनों पांव टूट गए हैं, जैसा कि मैंने बताया था। ये देखें, आपके सामने हैं, ये बिल्कुल फारिग, थोड़ा आगे करें इसको, ये देखें, ये मुकम्मल जुदा हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ तक टूट चुका आपके सामने है, और दूसरे वाला ये है आपके सामने, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये टूट गया है, अल्लाह इंतज़ाम करेगा इंशाल्लाह, उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। ये आपको दिखा रहे थे मैंने, ये टूट गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इबाद? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, जाती हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, सारी अता फरमाए। व्यूअर्स, आप लोग देखते हैं कि मेरे हाथों की जो उंगलियां हैं वो नहीं, अंगूठे जो है वो टेढ़े हैं, इनकी जो क्रॉस हड्डी होती है यहाँ पे वो गिर चुकी है दोनों की, और ये नाखून भी बड़ा है, इसको मैं काटता हूँ, लेकिन ये है कि ये खुशक हो चुका है, लेकिन जितनी जरूरत होती काट देता हूँ और कुछ रखता हूँ, क्योंकि नाक साफ करना पड़ता है कभी काले वगैरह, क्योंकि जो दूसरा नाखन है वो ज़्यादा होता रहता है, उसको हम काटते रहते हैं रूटीन में, लेकिन ये ज़रा बड़ा है, मजबूरी है, क्योंकि पीछे मैं ज़्यादा काट नहीं सकता, मेरी मादत मुझे मजबूरी है, अल्लाह माफ़ करेगा चला। अल्लाह के अल्लाह को मालूम है कि हमारे अल्लाह के बंदे जो हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह को मालूम है कि बंदे की मजबूरी क्या है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, और वो करीम ज़ात है, हम अल्लाह से हर वक्त उसकी रहमत के तलबगार हैं, उसकी तरफ से मफ़रत के तलबगार हैं। हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, जो हमारे प्यारे सुनने वाले से जाते हैं, उनकी दरजात बंद करें और उसका नेमत बदल दुनिया में वैसा दे, आखिरत में वैसा दे। तो जो बीमार है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उन्हें शिफाए कामला अता करें, जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद सालिया अता करें, और तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली, और उनमें कोई ऐब ना हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिन्हें इस्लाम की कम ले उनको, और खूबियाँ ही खूबियाँ हों उनके अंदर, और वफादार सिपाही बन करें अल्लाह के, और उनकी सरदारी के लिए तो बने रहे, और काम करेंगे तो जुद करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामती और सलामती के साथ आपको लाएंगे। और जो अपना रिश्ता से महरूम है, जो बच्चियों के हवाले से परेशान है, बेटों के हवाले से परेशान है, अल्लाह ताला उनके नेक रिश्ते अदा करें, और अच्छे घरों से रिश्ते अदा करें, नेक रिश्ते अदा करें। तो व्यूअर्स, आज जो हमारा जो है व्लॉग, आज जो हमारी रेसिपी है वो एक कढ़ाई गोश्त बन रहा है, आपने कमेंट्स में बताना है ये बीफ है या मटन, ये जरूर बताना है आपने। तो इंशाल्लाह आपने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है, हम आपको जो थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। वीवर, गोश्त बेगम मेरी काट रही है, छोटी छोटी बोटियां कर रही है, और ये जो है आप लोगों ने बताना है कमेंट्स में कि ये बीफ है या मटन है, जो भी है सूरत हाल आपने बतानी है कमेंट्स के अंदर इंशाल्लाह, तो हम आपके पैगाम से मुंतज़र रहेंगे। और कवे चीख रहे, इसके अलावा ये बेगम मेरी वहाँ बना रही है, चलिए सारा कुछ मैंने डाल दिया है, मसाला वगैरह। देखें जी, बेगम मेरी ये दिखा रही है, ये है लहसुन, ओहो वो भी नीचे गिर गया है, चलें जी इसको नहीं डालेंगे, ठीक है जी, इसको नहीं डालेंगे, नहीं डालना। व्यूअर्स, ये घी डाल रही है, और एशिया घी हम इस्तेमाल करते हैं वो डाल रही है। घी डाल चुकी है बेगम मेरी, अब मसाले डालने लगी है, मिर्च है, धनिया है, खुशक और हल्दी हो गई, जो चीज़ें हैं बाकी जो डाली है वो उधर आप देखें कैमरे में, अपना बेगम मेरी जो है माशाल्लाह वो बना रही है, ये अब मसाले डालने लगी है। आपने हमारे साथ रहना है, मेरे बाप
वीवर्स ये गोल्ड कढ़ाई में डाल दिया गया है और जो है अपना अब इसको धोनी आएगी इंशाल्लाह, जैसे कंप्लीट होता है मुकम्मल होगा आपको डिटाइल है। और आपने कमेंट में बताना है ये बीफ है या मटन है ये जरूर बताना है। तो आपने और जो मैंने मेरी कुछ बता रही है माशाल्लाह देखे जी वो कहिए मेरी वीडियो भाई पूरा देखिएगा। एक तो मैं अपने टांगों के हवाले से क्लिप डालूंगा ये भी और आप वीडियो पूरी देखेंगे। देखिए व्यूअर्स अब बेगम मेरी ये दही जो है उसमें कढ़ाई गोश्त में डाल रही है, कोई डाल दी है इसने तकरीबन आधा किलो के करीब डाली है इसने, ठीक है जी। और इसको भुनी दे रही है कढ़ाई डाली और उसमें दही डाली है माशाल्लाह। व्यूअर ये सालन माशाल्लाह कढ़ाई गोश्त तैयार हो गया है, धनिया डाल दी गई हैं और यहाँ ले आई है बेगम मेरी और इसने कढ़ाई की तरह ही बना के दे रख दिया, शोरबा नहीं बनाया। मैंने इसको कहा भी था शोरबा बनाओ तो मैं धनिया लेने के लिए चला गया तो इसने जो है ना पीछे से जो है ना मौके का फ़ायदा उठाकर पानी को खुश कर दिया, ख़त्म कर दिया। कहती जी पहली दफ़ा तो ऐसा बनाया है मैंने, तो ये बात दुरुस्त है, वाकई पहली दफ़ा बनाया है। और ये चारपाई देख रहे हमारी ये वाण जो पट्टी होते ना खजूर के खम्बड़े हम बोलते हैं अपनी ज़बान में वो हैं, उससे बनी हुई है। और जो रोटियां तंदूरी रोटियां आ गई माशाल्लाह हम आपको मज़ीद जो है ना सूरत दिखाते हैं। व्यूअर्स हमारा खाना मुकम्मल तैयार हो चुका है माशाल्लाह, अब मेरी भी खाना और आज गति मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल उसकी डंडी लगाई है, मैं ना अपना चला गया था धनिया लेने, आप लोग किलोमीटर के फास्ते पे कहा जो भी दुनिया की ज़िंदगी के लिए जाना थोड़ी तारीख की कमी हो, हत्या के मार्केट तक लेनी हो, नमक लेना है, सब्जी लेनी है, जो चीज़ लेनी है वो यहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है, वहाँ से हम जाकर परचेज करते हैं अपने लिए। मैं वहाँ पर गया तो इसने जो है पीछे जो है शोरबे को ख़त्म कर दिया और आपके सामने जो है ये बिल्कुल कढ़ाई की तरह बना हुआ है और आप चले आए अल्लाह से मजर आ रहे थे। बहुत खुश है इसने आपसे बात के बगैर खाना शुरू कर दिया है, बातचीत कर लो। ये मैंने पिछली वीडियो माशाल्लाह माशाल्लाह खुश कर दिया, अल्लाह ने कुछ किया है तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं इसको कुछ करने वाला है। उसी वक्त ही राजी हो गई थी तो राजी हो, मेरे से नाराज तो नहीं हो, खुश हो ना, उधर उधर बताओ खुश हो और उनको दुआ करो। तो ये आपको दुआएं दे रही है और एक बात मैंने यहाँ और कहनी थी, मेरा ऐसा मैंने शायद आपको वीडियो में बताया होगा लेकिन पिछले यानी कुछ वीडियो में बोल रही काफ़ी सारी उसमें चैनल नहीं बता देता। मेरा एक और चैनल भी है इंसानियत अब्दुल्ला के नाम से, वो मैं फ्लाई काम कर रहा हूँ, सारे के सारे उस पर फ्लाई काम है मेरे और आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे आप फ़ख्र करेंगे और मायूस नहीं होंगे। और वैसे भी आप मेरी हर वीडियो पर माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे कमेंट मिलते हैं, आपकी तरफ से बहुत बड़ा प्यार मिलता है आपका बहुत। और एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगा, आगे बकरीद आ रही है तो उस पर मैंने कुर्बानी करानी है, हो सके तो जो भी कुछ जानवर ले लिए जाए ताकि जमाई कुर्बानी हम ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त अच्छी कर सकें, मुस्तकिल तक पहुँचा सकें, दूसरों घरों को बचा सकें। इसमें आप देख लेना जो भी हो सके तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं मेरे इंसानी रब्ला वाले चैनल में, हर वीडियो में मेरा नंबर मौजूद होता है और स्क्रीन पर भी होगा, अगर स्क्रीन पर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिलेगा आपको, आप उधर से आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे। तो आप मैं ज़्यादा चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उस वक्त के लिए बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और हाँ कोई हमसे कता हुई तो माफ़ करना, कोई बात बुरी लगी तो माफ़ करना चाहते हैं और हमें जरूर चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, फिर अस्सलामु अलैकुम।